Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi, this is Sana Sayyad. Hi, this is Saiban Azim, and you guys are watching Times of India. योहान बहुत ही बदतमीज कैरेक्टर है. अपेरेंटली मैंने ऐसा कैरेक्टर अभी तक नहीं किया है. बहुत अलूफ है, खोया रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, और पेन है उसके अंदर एक, जो वो दिखाता नहीं है, अपने पास रखता है, और वो चाहता है कि वो जो उसकी उसके दुख हैं, उसकी परेशानियाँ हैं, वो उसी के पास रहें, किसी और को ना मिलें, और घर वालों से थोड़ी नफरत करता है. इनफैक्ट किसी से भी ठीक से बात नहीं करता है. उसकी एक हिडन पर्सनैलिटी है जो किसी को पता नहीं है, और वो क्या है वो आई थिंक जब शो आगे आगे जाएगा तो हल्के हल्के लोगों को अंदाज़ा होगा कि योहान का कैरेक्टर क्या है. इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो आगे की स्टोरी पता लग जाएगी, उसके लिए शो देखना पड़ेगा. और सेजल जो है, उफ क्या ही बताऊँ. तो मेरे कैरेक्टर का नाम है सेजल सरस कोटाड़िया. ये बेसिकली एक जामनगरी बबली क्यूट और एकदम गर्ल नेक्स्ट डोर और सबसे ज़्यादा क्लम्जी, गिरने पड़ने वाली टाइप की लड़की है. हर चीज़ से टकरा जाती है, गिर जाती है, फनी सी है, योहान से भी टकरा जाती है. अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, आज तक अपने पेरेंट्स के बीच में सोती है, मतलब बचपना बहुत है इसमें. और फिर एक दिन वो अपने आप को उस मुकाम पर पाती है पेरेंट्स के बीच में सोती है तो जहाँ उसको देश के लिए कुछ करने का, मिशन पे जाने का मौका मिलता है. एंड दैट्स व्हेन शी गेट्स असाइन टू अ सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो योहान नंदा है. एंड फिर वो उस घर पर जाके कैसे बेरुखे और कड़वे नंदाओं को उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाती है, उनकी ज़िंदगी में थोड़े रंग भरेगी, और साथ ही साथ स्पाई भी करेगी, अपना मिशन भी चलाएगी. सो या दैट्स अबाउट माय कैरेक्टर. बहुत ज़्यादा स्पाई बहु. और मेरे लास्ट शो में काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा इतना मैड कैरेक्टर किया नहीं है. दिस इज़ माई फर्स्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड टॉकिंग इन एन एक्सेंट. तो या इट्स क्वाइट डिफरेंट. काफ़ी अलग है. मैंने भी आई थिंक मेरी ऐसी कोई हीरोइन नहीं हुई है जो इतनी क्लम्जी रही हो, या जो इतनी नौटंकी करने वाली रही हो, इतनी लाउड रही हो, इतनी हंसमुख रही हो, और साथ में सब कुछ होने के बावजूद भी एक स्पाई बनने की जो क्षमता है वो किसी लड़की में होना बड़ी बात है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इन अ वे सेजल. हाँ, अपेरेंटली मैंने ऐसा शो तो नहीं किया है पहले. काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है. इससे पहले मैं मल्हार राणे प्ले कर रहा था तुझसे राब्ता में. बहुत ज़्यादा अलग कैरेक्टर था. सिंपल स्टोरी थी, एक सिंपल सी कहानी थी. एक हस्बैंड है जिसका बच्चा है, उसकी एक बीवी है, उनकी कहानी थी. और एक वो ACP है ऑफकोर्स, तो उसकी स्टोरी अलग थी. और ये स्टोरी बिल्कुल ही फ्लैम्बॉयंट लड़का है, और दिल्ली का एक लौंडा है, अमीर बाप का लड़का है, बिगड़ा हुआ है. किस तरह से बिगड़ा हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको तो, लेकिन बहुत अलग है, डिफरेंट है. हाँ, सहबान के कुछ करीब है ये, मेरे पर्सनली कुछ थोड़ा सा करीब है ये, तो कुछ चीज़ों से मैं रिलेट कर पाता हूँ इससे. नहीं, हम 4 शो कर चुके इससे पहले, बताएं ना तुमने. नहीं, फील तो ऐसे ही हो रहा है शूट करते हुए कि हम काफ़ी वक्त से साथ शूट कर रहे हैं, बट या इट डजंट लुक लाइक कि हम पहला शो कर रहे हैं साथ में. प्रॉब्ली दैट विल वर्क इन फेवर ऑफ योहान एंड सेजल ब्रिलियंटली. स्पाई तो ये है, इन्हीं को पता है मेरी पोल सारी, यही पता नहीं निगरानी रखती रहती है. सहबान अजीब है ना, मैं बता दूं आपको, बहुत ही गंदा गंदा वाहियात सिंगर है. ट्रू दैट. मतलब बाथरूम सिंगर को भी शर्म आ जाए इनकी आवाज सुन के. मुझे खुद को शर्म आ जाती है यार. सॉरी यार, मुझे बोलना पड़ा. शिट, ऑनेस्टली ये मैं लेकिन ऑलरेडी बोल चुका हूँ स्क्रीन पे, पहले ये कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है कि मैं खुद गाता हूँ तो खुद शर्मा जाता हूँ. दैट इज़ अ फैक्ट. देर इज़ अ मोमेंट जिसमें हम दोनों वाटर टब में गिरते हैं. yes, वो बहुत ही रोमांटिक मोमेंट है. और उससे पहले एक और अच्छा मोमेंट है, वो मैं बताऊँगा तो स्टोरी बहुत ब्रिलियंट सीन है. मज़ा आएगा आपको. yes. हमें भी करने में बहुत मज़ा आया. हम मतलब सीन रोक बीच में से सीन रुक रुक के हमें हंसना पड़ता था, फिर रुक जब हंसी रुक जाती थी तो वापस सीन शुरू करते थे, क्योंकि सीन में नहीं हंसना था. yes. वैसे हंस सकते थे. देखिए, ये हमारी पाए बहू हमारे घर आ रही है. और ये नंदा हाउस में आएगी, ये इतने बड़े घर में,
फिर क्या तमाशा करेगी, देखेगा ज़रूर, क्योंकि तमाशे बहुत करती है और फ़नी तमाशे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा होना होता है कई बार और मैं हंस पड़ता हूँ क्योंकि इसके सीन इतने क्यूट आते हैं। तो यू हैव टू वॉच इट, यू विल लाइक इट। और वन गुड थिंग आई थिंक अबाउट योहान एंड सेजल इज़ दैट दे बोथ आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, दे पोल्स अपार्ट। तो क्लियरली दिखता है, क्लियरली दिखता है उनके कैरेक्टर में कि वो सेजल जो है एक बहुत ही सिंपल अच्छे घर से आई है, छोटे घर से आई है जहाँ बहुत खुशियाँ हैं, बहुत प्यार है। और योहान एक बहुत ही अमीर और बहुत बड़ी फैमिली से आया जहाँ बिल्कुल प्यार नहीं है और बहुत चीज़ें गलत भी हुई हैं उसके साथ। अब ये लोग जब दो लोग मिलेंगे ना, उसके बाद जो स्टोरी बनेगी वो बहुत ही ब्रिलियंट होने वाली है, इंक्लूडिंग द फैमिलीज, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ब्रिलियंट हैं सब। जो मेरे फादर हैं, जो मेरी मदर प्ले कर रही हैं, जो इनकी मदर दादी प्ले कर रही हैं, वो काफ़ी सही लोग हैं। yes, अच्छे लोग हैं और बहुत ही पुराने दिग्गज एक्टर्स हैं वो। सो इन शॉर्ट हम आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़, हमने बहुत मेहनत की है, एकदम हमारे बच्चे जैसी है स्पाई बहू। प्लीज़ स्पाई बहू को देखिए, सिर्फ कलर्स पर। सिर्फ कलर्स पर। थैंक यू। थैंक यू।